मिंकी बेटा, अब वो चीज लोड हो रही है जिसकी तरफ तुम कभी देख नहीं सकोगी। और अगर मैंने इत्तू सा देख लिया तो मिंकी, ये बहुत सीरियस बात है। तो बताओ कि तुम्हें क्या मिला है। हाँ, रेनबो। इसका मतलब है कि तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी भी रेनबो को देख नहीं पाओगी। स्टूडेंट, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ उन चीजों की जिसकी तरफ तुम लोग देख नहीं सकते। सर, मैं कैट्स को नहीं देख सकती। मैं नदी की तरफ नहीं देख सकता। मैं रेनबो की तरफ नहीं देख सकती। वाह मिंकी, तुम कितनी लकी हो, तुम्हारा कर्ज तो इजी है। मुझे इस कर्ज से बहुत डर लग रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम उन चीजों की तरफ क्यों नहीं देख सकते। क्या तुमने करण के बारे में नहीं सुना? बात यह है कि वो अपनी खुद को मॉम को ही नहीं देख सकता। ये कितना अजीब है। मम्मी, मैं घर आ गई। मिंकी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि ऐसे में घर मत आया करो, ऐसे में तुम्हें अंदर रहना चाहिए। मम्मी, मैं इन चीजों से थक गई हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं पूरे दिन स्कूल में ही रुक जाती? नहीं, बस तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और वैसे भी तुम्हें अपनी पूरी लाइफ इस तरह से नहीं रहना पड़ेगा। जब तुम 18 साल की होगी तो ये कर्ज अपने आप चला जाएगा। गाइस, क्या तुम लोगों ने न्यूज़ सुनी? नहीं, क्या हुआ? बात यह है कि आज रेनबो शो होने वाला है और जो कोई भी रेनबो के एंड तक पहुंच गया उसे ढेर सारा गोल्ड मिल जाएगा। ये कितनी शर्म की बात है, मैं तो रेनबो की तरफ देख ही नहीं सकती। मिंकी, क्या तुम स्कूल खत्म होने के बाद हमारे साथ चलने वाली हो? हम सब गोल्ड को ढूंढने जाएंगे। आई एम सॉरी, पर मैं रेनबो की तरफ नहीं देख सकती, तुम्हें याद है ना? ओह डोंट वरी, जब हम सब रिच हो जाएंगे तो हम लोग तुम्हारे लिए कोई छोटी मोटी चीज खरीद देंगे, ठीक है? ये कितना अनफेयर है, ये सब गोल्ड ढूंढने के लिए जा सकते हैं पर मैं नहीं। किसने कहा कि तुम नहीं जा सकती? आप कौन है? वो छोड़ो, ये लो, ये ग्लासेस पहन लो, इसको पहन के तुम बाहर जा सकती हो। पर एक चीज का ध्यान रखना कि जब तक रेनबो विजिबल रहेगा तुम इन ग्लासेस को बिल्कुल भी उतारना मत। ओके, थैंक यू सो मच दादी माँ। ओके, तो मैं रेडी हूँ। मिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम बाहर नहीं जा सकती। वो क्या ये रेनबो है? मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी रेनबो नहीं देखा।